आशक होवें, इश्क कमावें, दिल रखें वांग पहाड़ा हो, साय साय बदियां हजार उलामे कर जाने बाग बहारा हो, मंसूर जय चुक सूली दिते जड़े वाकिफ कुल इसरारा हो, सजदे सिर चाई न बाहो तोड़े काफिर कहन हजारा हो, आशक सोई हकीकी जड़ा कतल माशूक दे मन्ने सिर न जोड़े ते मुख न मोड़े बमे सौ तलवारा खन्ने सच्चा इश्क हुसैन अली दबाहु सिर दित्ते ते राज न भन्ने। हाल पर जब आप पहुंचे कि कोई मददगार, अज़ खदीजा घर से उठ गई, चचा बाहर से उठ गए, साथी हैं कोई नहीं, चारों तरफ अंधेर है, और आप उन्हीं जख्मों में, चूंकि हज़रत खदीजा तो इंतकाल कर चुकी हैं, आप हज़रत उम्मे हानी अपने चचाजाद बहन के घर सोए हुए, हज़रत अली की बहन, कि जिब्रील ने आके पांव दबाए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की मुलाकात का निज़ाम बन चुका है, आपके रब आपको अपने मुलाकात के लिए बुला रहे हैं। जब दुख तकलीफें आखिरी हद पर गई तो अल्लाह ने उसी लिहाज, जितना प्रेस किया जाता है, जब रिलीज होता है प्रेशर तो उतना ही ऊपर जाता है, मेरे नबी पर जब दुखों की ये ताबड़तोड़ भरमार हुई तो अल्लाह ने फिर यूं उठाया, चलिए या रसूल अल्लाह, आपको पकड़ा, हतीम में ले गए, हतीम वो जो बाउंड्रीज वॉल है बैतुल्ला की, ये बैतुल्ला के अंदर का हिस्सा है, अंदर का हिस्सा है। कुरैश के पास इतने पैसे नहीं थे कि सारा कवर करते, तो उन्होंने ये छोड़ दिया, इसमें अल्लाह की हिकमत कि बैतुल्ला के अंदर तो कोई कोई जा सकता है, हतीम में हर कोई जा सकता है, वो भी बैतुल्ला का अंदर है, आपको लुटा है। पहली ओपन हार्ट सर्जरी का तसव्वुर मेरे नबी दे रहे हैं, पहली ओपन हार्ट सर्जरी का तसव्वुर मेरे नबी दे रहे हैं। अगर हम थोड़ा अपनी अगराज से निकले होते तो ये काम इस उम्मत का था, ये उम्मत की रिसर्च बनती कि इनके नबी की ओपन हार्ट सर्जरी। जिब्रील ने यूं हाथ में यूं ऐसे सीना खुल गया, खून का एक कतरा नहीं निकला, एक कतरा, एक कतरा। दो बर्तन हैं, एक में जमजम है और एक में नूर है, दिल निकाला, आप आंखों से देख रहे हैं कि मेरा दिल ये निकल आया, उसको जमजम के पानी में डाल के धोया, धोया अच्छी तरह अंदर से, यूं दिल को यूं हाथ लगाया, दिल भी चिर गया, फट गया, उसके अंदर भी पानी डाला, बाहर भी, फिर यूं करके, फिर वो खुला हुआ दिल, जितना वो नूर लाए थे सारा दिल के अंदर डाल के डाल के डाल के, फिर दिल को यूं बंद किया, फिर उसको यहाँ रखा तो अपने आप रगें फिट हो गईं, सीने को यूं मिलाया, बगैर निशान के सीना मिल गया, आसमान पर जाने के लिए निज़ाम मुकम्मल हो गया। बाहर तशरीफ लाए, एक सवारी है जिसका नाम है बुर्राक, बुर्राक कहते हैं तेज़ रफ्तार, तेज़ रफ्तार, वो खच्चर से छोटा कद, गधे से बड़ा कद, आप उस पर सवार हुए, वो कूदने लगा, तो जिब्रील बोले कहे आज तक इनसे अजीम सवार तेरे ऊपर नहीं बैठा, ये आखिरी रसूल हैं, वो पसीने पसीने हो गया। तेज़ रफ्तार सवारी का तसव्वुर मेरे नबी ने पेश किया कि तुम अगर खोपड़ी इस्तेमाल करो तो तुम भी 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रेनें चला सकते हो, लेकिन जब बद्यांती और ख्यानत किसी कौम में आती है तो उनकी सलाहियतें बिकाऊ माल हो जाती हैं, भेड़ बकरी की तरह बिकते हैं लोग, इंसानियत के जनाजे उठ जाते हैं। पहली तेज रफ्तार सवारी बुर्राक, मेरे नबी ने फरमाया उसकी रफ्तार इतनी तेज थी जहां मेरी नजर पड़ती वहां उसका कदम पड़ता, वहां से उठाया, एक जगह उतरिए, उतार दिया, दो नफल पढ़िए, पढ़ लिए, ये कौन सी जगह है, कि ये आपकी हिजरत की जगह मदीना, दो नफल पढ़िए, फिर वहां से चलाया, उतरिए, ये कौन सी जगह है, ये आपके दादा इब्राहिम की जाए पैदाइश, चलिए, फिर उठाया, फिर जाके बैतुल मकदस के करीब पहुंचे तो खुशबू आई,
आपने कहा यह खुशबू क्या है? कहा या रसूलल्लाह, फिरौन की बांदी अपनी बच्चियों समेत, फिरौन ने उसे जला दिया था, जहां उसकी हड्डियां दफन हैं यह खुशबू वहां से आ रही। बुर्राक को बांधा, अंदर तशरीफ ले गए, सारे अंबिया इंतजार में हैं, और दो नफल पढ़ के सबकी इमामत करके मस्जिद अक्सा को भी बैतुल्लाह के ताबे होने का ऐलान कर दिया गया, और तमाम अंबिया के नबी होने का ऐलान कर दिया गया, और तमाम अंबिया पर आपकी रिसालत और नबूवत की मोहर के लगाने का ऐलान कर दिया गया। आप इमाम बने और तमाम अंबिया मुक्तदी बने, और ये ऐलान हुआ कि अब सिर्फ इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अब ईसा अलैहिस्सलाम भी आ जाएं तो शरीयत मुहम्मदी चलेगी, अब मूसा अलैहिस्सलाम भी आ जाएं तो शरीयत मुहम्मदी चलेगी, अब सबकी शरीयतें ख़त्म, और मस्जिद अक्सा की बैतुल्ला होने की हैसियत ख़त्म, अब सब बैतुल्ला की तरफ रुख करेंगे, जो बाद में हुआ। उसके बाद आप ऊपर तशरीफ ले गए। कुरान की वाहिद सूरत है जो सुबहान से शुरू होती है, सुबहान अल्लज़ी असरा, कहीं और सूरत सुबहान से शुरू नहीं होती। सुबहान का क्या मतलब है? यहाँ पाक, पाक। लेकिन यहाँ क्या कहना चाहता है अल्लाह ताला, कि ये जितने कानून हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बॉटनी के, जूलॉजी के, बायोलॉजी के, एस्ट्रोनॉमी के, ये जितने उसूल हैं आग पानी मिट्टी हवा के, ये तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारा रब सुबहान है, पाक है, इससे बाला तर है। वो ये देखो तुम्हारे सारे कानून तोड़कर अपने नबी को ले जा रहा है, अल्लाह लेकर गया। कुरैश कहने लगे तू कैसे जा सकता है, एक रात में कैसे जा सकता है? तो अल्लाह ने जवाब दिया ये नहीं गए, मैं लेकर गया। सुबहानल्लज़ी असरा, असरा कहते हैं रात का चलना। इसमें क्या पैगाम है? कि जिसने भी अल्लाह को ढूंढना है रात का कुछ वक्त अल्लाह को दे, जिसने भी अल्लाह को पाना है रात का, जितना वक्त आप कंप्यूटर पर बैठते हो उसमें से सिर्फ 10 मिनट अल्लाह को दे दो, वजू करो, नफल पढ़ो, 2 पढ़ लो, 4 पढ़ लो, 6 पढ़ लो, 8 पढ़ लो, बड़े सुस्त हो 2 ही पढ़ लो, कि नाम तो आ जाए, नाम तो आ जाए कि हाँ ये भी रातों को जागने वाला था, ये भी उठने वाला था। रात का सफ़र इसलिए है कि रात सुकून की चीज़ है, और रात के सफ़र में पैगाम है कि अल्लाह को पाने का यही रास्ता है, यही रास्ता है। कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहर का ही, हमारे शायर इकबाल ने कहा था कि अगर अल्लाह को पाना है या जो भी पाना है तो रातों को रोना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बिस्तरों पर दराज रहकर ये चीज़ नहीं मिलती। रात का सफ़र बेअब्दी ही, अल्लाहु अकबर, ये इजहार मोहब्बत है। ये कौन है? कहा जी ये फलां पार्टी का बंदा। ये कौन है? ये फलां पार्टी का बंदा। ला इलाहा इल्लल्लाह, और तुम्हें पता नहीं मैं फलां पार्टी का बंदा, फिर मुंह तेरे इस बोल दा। हाँ मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, ये सबसे बड़ा टाइटल है। तो अल्लाह ने रसूल नहीं कहा, नबी नहीं कहा, कहा बेअब्दे ही, ये मेरा बंदा है। हुकूमत अपने बंदे को वजीर बना देगी, सेक्रेटरी बना देगी, और कोई ना लो चलो मुशीर बना दो, वेला काम खजाने दा लुट पा दो, मुशीर बना दो, सियासी रिश्वत मुशीर, भावे सारी जिंदगी उसका मुंह ना वेखे मुशीर। और ऐसे मुशीर हैं जिनको पता ही नहीं कि मशवरा कहते किसे। तो हुकूमत नवाजती है ना, ये नए नए तेल निकला ना, नया नया तेल, थोड़ा थोड़ा दौलत, तो एक बड़े रईस का नौकर, उन्होंने कहा इसको नौकरी दो, अनपढ़। उन्होंने कहा बोला उनका भाई अब बड़े रईस का फरमान है नौकरी पे तो रखना है, सादा कोई सौखा सा इंटरव्यू लो। हाँ भाई शेख इतनीन जमा इतनीन कम, हाँ भाई 2 और 2 कितने होते हैं? उनका खमसा, उनका 5, हाँ ठीक है करीब करीब जवाब ठीक है, रख लो नौकरी पर, जवाब करीब सिर्फ 1 का फर्क है। तो हुकूमत क्या करेगी? तुम्हें नौकरी दे देगी, वजीर बना देगी, सदर बना देगी, और क्या करेगी? तो मेरा अल्लाह कहता है तो ये तो मेरा बंदा है,
मैं कायनात को गुलाम बना दूं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं, ये मैं अपने ये मेरा बंदा है तो मैं देखो इसको उठाता हूँ। ओ मेरे बच्चों, आइडियल अपने नबी को बनाओ, उनके पीछे चलो तो अल्लाह तक पहुंचोगे, दुनिया तुम्हारे कदमों में पड़ के आएगी, अल्लाह की कसम जलील होकर आएगी, न तुम्हारा ईमान बिकेगा न जमीर बिकेगा और दुनिया तुम्हारे पांव चाटेगी। अगर ईमान बेच दिया जमीर बेच दिया, अल्लाह की कसम कुत्ते से बदतर जिंदगी होगी। हाँ बेअब्दे ही, बहुत बड़ा टाइटल, बेअब्दे ही, मेरा बंदा, मेरा बंदा, मैं अपने बंदे को ले जा रहा हूं। अलिफ और बा, असरा बेअब्दे ही, असरा कहो तो बा की जरूरत नहीं, बेअब्दे ही कहो तो अलिफ की जरूरत नहीं। असरा के साथ अलिफ, अब्द के साथ बा का मतलब है कि अल्लाह फरमा रहे मैंने बुलाया, मैं लेने आया हूं, मैं लेने आया हूं। ओ परवाज, खला में जाने का पहला तस्वर मेराज के किस्सा ने दिया, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, पहला आसमान, आदम अलैहिस्सलाम मेरे बेटे आ गए, मेरे भाई आ गए, नबी आ गए, दूसरा आसमान यहया, जकरिया, ईसा अलैहिस्सलाम हमारे भाई आ गए, हमारे नबी आ गए, तीसरा आसमान यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारे भाई आ गए, हमारे नबी आ गए, चौथा आसमान इदरीस अलैहिस्सलाम मेरे भाई आ गए, मेरे नबी आ गए, पांचवा आसमान हारून अलैहिस्सलाम भाई आ गए, नबी आ गए, छठा आसमान यूसुफ अलैहिस्सलाम भाई आ गए, नबी आ गए, सातवा आसमान, एक रिवायत के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम सामने खड़े हैं, इस्तकबाल किया है, एक रिवायत, दूसरी रिवायत, दूसरी रिवायत शिफा काजी अयास की किताब शिफा, दूसरी रिवायत आप साथ हैं आसमान पर गए तो एक बैतुल्ला है, बैतुल्ला का तवाफ हो रहा है और एक बड़े मियां सफेद दाढ़ी बैतुल्ला के साथ टेक लगा के यूं बैठे हूं, ये बाबा जी क्यों नहीं उठे? ये उम्मत को रिश्तों की कदर समझानी है कि बेटा नबूवत पर भी पहुंच जाए तो बाप के लिए बेटा ही होता है और बाप के आगे झुकना उसकी नबूवत के शान को बढ़ाता है, घटाता नहीं। एक रिवायत है इस्तकबाल में खड़े थे वो भी है, एक रिवायत जो दूसरी भी है कि वो यूं बैठे हुए हैं, जब करीब हुए तो आप खड़े हुए, बाकी नबियों ने कहा भाई आ गए, नबी आ गए, आदम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा आ गया, नबी आ गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया, किसी नबी ने चूमा नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गले लगा के माथा चूमा, माथे का बोसा लिया, किसी नबी ने हमें सलाम नहीं भेजा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह देना, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह देना। सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील अटक गए, या रसूल अल्लाह बॉर्डर आ गया, बॉर्डर, बॉर्डर, आगे वीजा कोई नहीं, आगे वीजा कोई नहीं, ये एक बालिश तो पर गया तो जल के राख हो जाऊंगा, आप जाने और आपका रब जाने। वन नजम इज़ा हवा मा दल्ल साहिबकुम वमा गवा फमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى। سورة النجم आसमान का सफर बताती है, सूरह इसरा जमीन का सफर बताती है। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अच्छा अब ये जाते हुए हुआ या आते हुए हुआ,
ये वजाहत नहीं है, लेकिन अल्लाह ने कहा था ले नुरियहु मिन आयातिना, हम अपने हबीब को अपनी निशानियां दिखाना चाहते हैं, तो ये जिब्रील के साथ आपने कुछ मनाजिर देखे। इसकी वजाहत शायद किसी किताब में हो, मेरी नज़र से ना गुजरने का मतलब ये नहीं कि है नहीं, हो सकता हो, मैंने नहीं देखा। आपने मुख्तलिफ मनाजिर, जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा, जन्नत की नेमतें, जहन्नम के आज़ाब, मुख्तलिफ जगहों से गुजरते हुए आपने देखा एक शख्स सोया हुआ है और एक फरिश्ते के हाथ में पत्थर है, उसके सर के ऊपर मारता है, उसका सर कीमा हो जाता है, पत्थर लुढ़क के यूं चला जाता है, वो उसको उठाने जाता है, इतने में उसका सर ठीक हो जाता है, वो आके फिर उसको मारता है, फिर उसका सर कीमा कीमा हो जाता है। आपने फरमाया ये कौन है? कहा ये वो है जो इशा की नमाज पढ़े बगैर सो जाता था, जो इशा की नमाज पढ़े बगैर सो जाता था। फिर आपने देखा कुछ लोग हैं जो उल्टे लटके हुए हैं, मर्द औरत नंगे, और नीचे से आग उनको जला रही जला रही। आपने फरमाया ये कौन है? कि ये वो हैं जो रोज़ा छोड़ देते थे, जो रोज़ा नहीं रखते थे। अभी गर्मी का रोज़े आ रहे हैं, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है, गर्मी और सर्दी के साथ अल्लाह आजमाता है। मेरे अजीज़ो जवान आओ, रोज़े ना छोड़ना, ये अल्लाह के क़ुर्ब का बहुत बड़ा अमल है। हर अमल की जजा जन्नत है और रोज़े की जजा अल्लाह खुद है। अस्सौम ली वाना उजजा बिही, मेरे अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए है और रोज़े का बदला मैं खुद हूँ। काम छोड़ देना, थोड़े कर लेना, काम थोड़ा कर लो। इन यूनिवर्सिटी वालों से कहता हूँ पढ़ाई थोड़ी कर दो बच्चों की, आपसे कहता हूँ अपने काम थोड़े कर दो, अपने नौकरों की ड्यूटी थोड़ी कर दो, सबको रोज़े के लिए तैयार करो, खुद रोज़ा रखो, गर्मी बर्दाश्त करो, भूख बर्दाश्त करो, प्यास बर्दाश्त करो। अल्लाह क़यामत के दिन की गर्मी से बचाएगा, भूख से बचाएगा, प्यास से बचाएगा। माज बिन जबल का जब इंतकाल होने लगा, फरमाया मेरे अल्लाह तू जानता है मुझे ज़िंदगी से प्यार था, मुझे ज़िंदगी से प्यार था, अल्लाह की कसम मेरे रब, तेरी कसम मेरे रब, पैसों के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, मुझे प्यार था तेरी बारगाह में लंबे लंबे सजदे करने के लिए, मुझे ज़िंदगी से प्यार था शदीद गर्मी में रोज़े की प्यास को बर्दाश्त करने के लिए, मुझे ज़िंदगी से प्यार था तेरे इल्म को सीखने के लिए, तेरे कुरान को सीखने के लिए। मैंने इसलिए दुनिया से प्यार, ज़िंदगी से प्यार किया कि गर्मी की शिद्दत के रोज़े रखूँ, लंबे लंबे सजदे करूँ, तेरे इल्म के महफलों में बैठकर तेरे इल्म को हासिल करूं। अपने इस जवानी को इस्तेमाल करो, भूख से लड़ो, प्यास से लड़ो, जब प्यास लगे, जब भूख लगे हाथ उठाओ, अल्लाह की कसम तुम्हारी दुआओं पे अर्श हिलेगा, अर्श हिलेगा। बुज़िल्ला बनना, बुज़िल्ला बनना, रोजाना छोड़ना, रोजाना छोड़ना, बुज़िल्ला बनना। एक जंग लड़ी गई है यमामा, 12,000 सहाबा, 1,00,000 मुर्तद मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ ही, हाय हाय हाय, बड़ी खौफनाक जंग थी। उसमें कुछ 3,000 शहीद हुए सहाबा ताबईन और 700 हुफ्फाज उलमा शहीद हुए। तो झंडा था जैद बिन खत्ताब के हाथ में, शहीद हो गया, गिर गया। फिर झंडा उठाया सालिम रज़ी अल्लाह ने, वो जख्मी होकर गिर गए, झंडा गिर गया। झंडा उठाया हबीब ने, वो शहीद हो गए, झंडा गिर गया। अफरा तफरी मच गई, बड़ी मुश्किल। मैं जंग का किस्सा नहीं सुनाना चाहता, एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। एक सहाबी जख्मियों को तलाश करते हुए पानी पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, जाके देखा तो हजरत सालिम, जिन्होंने दूसरे नंबर पर झंडा उठाया था, उनका सांस चल रहा था और उसमें प्यास की शिद्दत इंतहा पे होती है। करीब गए, सालिम आंखें खोली, क्या हुआ? कहा अल्लाह ने फतह दी है, खैर है, खैर, अभी हुई नहीं थी, जंग चल रही थी। कहा पानी पियोगे? कहा मेरे भाई ये मेरी ढाल है, इसमें पानी डाल दे, मेरा रोज़ा है, मैं जिंदा रहा
इफ्तार कर लूँगा और अगर मैं मर गया तो मैं अल्लाह के दस्तरखान पे जाके इफ्तार कर लूँगा। इस हाल में रोज़ा नहीं छोड़ा। और तुम कहो जी गर्मी बहुत है, रखे नहीं जाते, छुट्टी ले लो एक महीना अपनी यूनिवर्सिटियों से, लेकिन रोज़े की छुट्टी ना करना। अपने दफ्तरों से छुट्टी लो पर रोज़े की छुट्टी ना करना। फयंदुर कैफ तअमलून, मेरा अल्लाह देखना चाहता है कि किस तरह उसको राज़ी करते हो। आशिक हों में इश्क कमावें, दिल रखें वांग पहाड़ा हो। साय साय बदियां हजार उलामे, कर जाने बाग बहारा हो। मंसूर जय चुकसूली दिते, जड़े वाकिफ कुल इसरारा हो। सजदे सिर चाई नबा हो, थोड़े काफिर कहन हजारा हो। आशिक सोई हकीकी जड़ा, कतल माशूक दे मन्ने। सिर न जोड़े ते मुख न मोड़े, बमे सौ तलवारा खन्ने। सच्चा इश्क हुसैन अली दबाहु, सिर दित्ते ते राज न बन्ने। हाँ बुजिल न बनना के जी भूख लग रही है, जी प्यास लग रही है, अल्लाह उस दिन की भूख से बचाएगा, प्यास से बचाएगा। अब्दुल्ला बिन जुबैर आज रोज़ा रखते थे, आठ दिन के बाद इफ्तार करते थे, आठ दिन न खाते न पीते। अब आगे चले, आगे चले तो आपने एक तंदूर देखा, तंदूर बहुत बड़ा, उसमें नंगे मर्द और नंगी औरतें और उनकी चीखो पुकार और आग के शोले उनको यूं उठाते 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 तंदूर के मुंह तक लाते हैं। फिर आग के शोले एकदम नीचे बैठते हैं और वो कलाबाजियां खाते हुए पता नहीं कितनी गहराई में जाकर गिरते हैं और फिर चीखते चिल्लाते हैं, फिर आग उनको उठाकर यहाँ लाती है, फिर गिराती है। आपने कहा ये कौन है? कहा ये जानी मर्द और जानी औरतें हैं, जिना करने वाले मर्द, जिना करने वाली औरतें। आगे चले आपने देखा कुछ लोग हैं जिनके फरिश्ते यहाँ से ना कैंचियाँ डाल के चीरते हैं और यहाँ तक ले जाते हैं, यहाँ तक ले जाते हैं, यहाँ तक ले जाते हैं। वो ठीक हो जाता फिर चीरते हैं, फिर चीरते हैं। कहिए कौन है? का ये उम्मत के फसादी खतीब हैं जिन्होंने उम्मत को जोड़ने की बजाय उम्मत को तोड़ दिया। फिरकावारियत की आग, फिरकावारियत की आग। आगे गए तो देखा एक आदमी बड़ा बेहतरीन खाना पड़ा हुआ है लेकिन उसके साथ एक गली सड़ी मैयत पड़ी हुई है, उस मैयत का गंदा गोश्त खा रहा है, अच्छा खाना नहीं खा रहा। आपने कहा ये कौन? का ये गीबत करने वाले, जो गीबत करते थे ये वो हैं। आगे गए तो आपने देखा एक आदमी आग खा रहा है, आग, आग के अंगारे खा रहा है, आग के अंगारे, और चीख भी रहा है, खा भी रहा है। हम कह ये कौन है? कह ये हराम खाने वाले, ये हराम खाने वाले, ये यतीम का माल खाने वाले, ये यतीम का माल खाने वाले। आगे चले तो आपने देखा एक आदमी का पेट है गुंबद की तरह और पेट के अंदर सांप नजर आ रहे हैं जो अंदर से काट रहे हैं, अंदर से वो तड़प रहा है, चीख रहा है। आपने कहा ये कौन है? कहा ये सूद खाने वाले, ये सूद खाने वाले। आगे चले और खौफनाक मंजर देखा आपने, देखा कुछ लोग हैं जिनका धड़ इंसानों वाला है, चेहरा सुअर जैसा है, दुआ दोस्त मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिनकी तुफैल अल्लाह दुनिया में पर्दे डाल रहा है। अगर उनकी दुआएं ना होती तो ये अल्लाह दुनिया में कर देता, ये दुनिया में कर देता। अल्लाह ने पहलों को खिंजीर भी बनाया, बंदर भी बनाया, उनका यहाँ तक चेहरा सुअर, नीचे इंसान। आपने कहा ये कौन है? जिब्रील ने कहा झूठी गवाही देने वाले, झूठी गवाही देने वाले। हाय कोई जाके लाहौर की अदालतों में चीख चीख के मेरा ये बोल सुना दे, आए कोई जाकर पूरे देश में ये चीख चीख के बोल सुना दे कि मेरा देश झूठे गवाहों से भरा पड़ा है, गवाह बिकते हैं, जड़ी मर्जी गवाही ले लो, जड़ी ले लो, जड़ी मर्जी गवाही ले लो, पैसे मुकाओ तो गवाही लो। ये होने वाला है, मेरे नबी आंखों से देख कर आए हैं, देख कर आए हैं। फिर आपने खौफनाक फरिश्ता देखा जो पैसे संजीदा बैठा है। आपने कहा ये कौन है? कहा ये जहन्नम का फरिश्ता,
मालिक। फिर एक हसीन मुस्कुराता चेहरा देखा, आपने कहा ये कौन है? फरमाया, अर्ज किया, ये जन्नत का फरिश्ता रिजवान। फिर जहन्नम की सैर की, कट शॉर्ट करता हूं, टाइम आगे जा रहा है। फिर अब जन्नत को देखा, कहा मैंने देखा तो एक लड़की चश्मे पर वजू कर रही थी, वजू, और उसके सब्ज रंग के जूते भी तस्बीह पड़ रहे थे, वो बहुत खूबसूरत थी। मैंने कहा बेटी कौन हो? कहा जी मैं उमर बिन खत्ताब की बेगम हूर, मैं आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब के लिए बनाई गई हूं। जन्नत को देखा, बिलाल, अरे भाई बिलाल क्या हुआ? तू सारी जन्नत में मेरे आगे आगे, तेरे कदमों की आवाज, तेरे कदमों की आवाज, जिधर गया तेरे कदमों की आवाज, आगे 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 आगे। अरे बिलाल तू क्या है? या रसूल अल्लाह क्या करते हो? कह या रसूल अल्लाह जब वजू करता हूँ दो नफल पढ़ता हूँ, जब वजू करता हूँ दो नफल पढ़ता हूँ। वो तो बहुत, सिर्फ ये बात नहीं थी, सिर्फ इतनी बात से जन्नत के आगे नहीं चल सकते, पूरी तारीख है। पत्थर पड़े अहद अहद, कोड़े पड़े अहद अहद, थप्पड़ पड़े अहद अहद, घसीटा गया अहद अहद, गर्मी में खड़े किए गए अहद अहद, अंगारों पे लिटाया गया अहद अहद, लोहे की जिरह पहना कर घसीटा गया अहद अहद। ये सिला मिला है, आपने वहां देखा कि बिलाल मेरे आगे आ गए, फिजिकली भी आपने कहा ऐसा ही होगा, जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरी सवारी की लगाम बिलाल पकड़ के मेरे साथ साथ जन्नत में मेरे आगे चले। ये वापसी पे देखे, जाते हुए देखे, अल्लाह बेहतर जानता है। ये देख, इससे अलावा भी देखा, इससे अलावा भी देखा। सिदरतुल मुंतहा, या रसूल अल्लाह आगे आप और आपका अल्लाह। फिर मेरे नबी जब मक्का से बैतुल मक़दस आए तो बशरियत, जब मैं मक्का से आसमानों तक गए तो मलकियत, आसमानों से सिदरतुल मुंतहा पर गए तो कुछ और निज़ाम, अल्फाज मेरे पास कोई नहीं, और जब सिदरतुल मुंतहा से भी आगे गए फिर कुछ और निज़ाम, उसके अल्फाज भी मेरे पास कोई नहीं है। फिर सिदरतुल मुंतहा से अर्श, और अर्श आज पहली दफ़ा झूम रहा है कि आज किसी हस्ती के कदम पड़ने वाले हैं, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। फिर उसके आगे ला मकान शुरू होता है, 70,000 क्या नूर के पर्दे उठे और अल्लाह और हबीबुल्लाह आमने सामने हो गए। काबा कौसैन, ये है काबा कौसैन, ये काबा कौसैन है, ये एक कमान है, ये कमान है, और एक ये कमान है, ये तांत है जिस पर तीर रख के खींच के मारा जाता था, ठीक हो गया। ये जो किनारा है, किनारा कमान का, इसको काब कहते हैं, काब, और इसको कौस कहते हैं, कौस। तो अरबों में जब लड़ाई के बाद सुलह होती थी तो एक सरदार ये उठा, एक ये उठा, और अपने कमानों का रुख मोड़ के ये मिला दिया, तो ये काब, ये काब, ये कौस, ये कौस, ये निशानी, अभी हम जुड़ गए, मिल गए, आपस में मिल गए। मेरे अल्लाह ने ये मुहावरा अपने और अपने हबीब के लिए इस्तेमाल किया कि मेरे हबीब मेरे इतना करीब हुए जैसे कमानों के काब करीब होते हैं। और अगला तर्जमा करता हूँ, हकीकत अल्लाह जानता है, ओ अदना, नहीं 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 नहीं, मेरे महबूब इससे भी ज़्यादा मेरे करीब हो गए। अब इसकी मुराद अल्लाह जाने, अल्लाह का हबीब हबीब जाने, हमें नहीं पता, हमें ईमान लाए। फिर गुफ्तगू हो रही है, फिर बातें हो रही हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, सलाम पेश किया जा रहा है, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात, मेरे नबी की तरफ से पेश किया जा रहा है, ये गुफ्तगू है। फिर वहाँ से आपकी वापसी हुई है, या लंबी बातें मैं वो छोड़ रहा हूँ। अच्छा एक छोटी बता देता हूँ, कहिए अल्लाह अपने इब्राहिम को खलील बनाया, मूसा को कलीम बनाया, दाऊद के लिए लोहा नरम किया, सुलेमान के लिए हवा ताबे की, ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए अपने मुर्दे जिंदा किए, मेरे लिए क्या है? तो अल्लाह ने कहा अवलैसा कद आतैतुका अफ़ज़ला मिन ज़ालिका कुल्ले, मेरे हबीब आपको वो दिया जो किसी को नहीं दिया। जी क्या? का अल्लाह ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरता मई, क़यामत तक आपका और मेरा नाम इकट्ठा रहेगा, जुदा नहीं हो सकता।
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى اب آپ واپس آئے تو جبریل کو دوبارہ دیکھا, 50 نمازیں لے کر. اللہ نے کہا میرے حبیب 50 نمازیں, کہا جی لبیک. اللہ کو بھی پتا ہے نہیں پڑھ سکتا, میرے نبی کو بھی پتا ہے نہیں پڑھ سکتا, لیکن تسلیم و رضا لبیک یا حاضر. چھٹے آسمان پر پہنچے. میں واضح کر دوں پہلے, میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا نہیں پڑھا نہیں پڑھا, میرے دل کا خیال ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا ہوگا کہ موسیٰ یہ میرا حبیب پجا لے جاندہ پہ ہے, یہ لوریاں ایک نہیں پڑھنی نہ پجا کے تو پڑھنی, میرے نبی اے موسیٰ یہ نا آپ ایسا کریں میرے نبی کو میرے پاس واپس بھیجیں, مجھے لگتا ہے ممکن ہے میرا خیال ٹھیک ہو, چونکہ پیچھے کوئی کتابی تائید نہیں, لہٰذا میں خیال ہی کہہ رہا ہوں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں. آگے موسیٰ علیہ السلام, یا رسول اللہ کیسی رہی ملاقات کو, بڑی اچھی, کیا ہوا گا, 50 نماز ہوگا, توبہ توبہ توبہ, کون پڑے گا, واپس 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 پیچھے. پھر پتہ نہیں کہاں تک پہنچے, سدرۃ المنتہا پر پہنچے. یا اللہ کچھ کم ہو جاتی تو اللہ نے ایک دم, اچھا اللہ پہلے 5 کیوں نہیں دی, 50 کیوں دی, پھر 5 کیوں کم کی, 45 کیوں نہیں کم کی. میرے بچوں اللہ کی قسم, صرف یہ بتانے کے لیے کہ نماز نہ چھوڑنا بڑی اہم چیز, نماز نہ چھوڑنا بڑی اہم چیز. پہلے رمضان میں مسجدیں بھر جاتی تھیں, اب رمضان میں بھی پہلے 2 دن بھرتے ہیں پر وہی خالی سائیں سائیں سناٹا ہو کا عالم. نماز نہ چھوڑنا, میرے دنیا میں میرے نبی دنیا میں آئے آتے ہی سجدے میں گر گئے, دنیا سے جا رہے تھے کہتے نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا, اور 50 نمازوں کا اعلان ہے اے امت محمد, نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا. کربلا قائم ہے اور ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا, امام علی مقام نے حبیب کو بلایا, زہر حبیب زہر زہر کو بلایا, زہر ان سے کہو شمر سے مجھے نماز پڑھنے دیں نماز پڑھنے دیں. ارے امام عالی مقام آپ کو اب ضرورت نہیں نماز کی. نہیں ضرورت ہے, امت کو پیغام دینا ہے, زیر خنجر یہ پیغام سنایا ہم نے. اور جب میں کلاس لے رہا تھا میں نماز نہیں پڑھ سکا, ہزاروں کلاسیں نماز پہ قربان ہو سکتی ہیں نماز نہیں چھوڑی جا سکتی, ہزاروں میٹنگیں قربان ہو سکتی ہیں نماز نہیں چھوڑی جا سکتی, ہزاروں ڈیلنگ قربان ہو سکتی ہیں نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. زہر نے آگے شمر سے کہا نماز کے لیے ٹھہر جاؤ, کہا نہیں. تو انہیں واپس آ کر کہا جی کوئی گنجائش نہیں, تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے اب شہید تو ہو ہی رہے ہیں کیڑی گلے پڑھن دی, ہے ہے کہا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو, آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی, پھر اگلے آدھوں نے جنگ کی پہلے آدھوں نے نماز پڑھی نماز نہیں چھوڑی, اس کربلا میں بھی نماز قائم کی ہے اور امت کو پیغام دیا ہے کہ یہ وہ فریضہ ہے جو یوں بھی ادا کیا جاتا ہے اور اثر سے پہلے شہید ہو گئے. اچھا جی میرے نبی 5 کم کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی یا رسول اللہ کیا بنا, کہ 45 کا نہیں نہیں بہت زیادہ, واپس 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 5 5 5 5 5 5 5 پھر 5 5 5 5. اچھا میرے نبی 45, اچھا میرے حبیب 40, اچھا میرے حبیب 35, اچھا میرے حبیب 30, اچھا میرے حبیب 25, اچھا میرے حبیب 20, اچھا میرے حبیب 15, اچھا میرے حبیب 10, اچھا میرے محبوب 5 5 5 پہ آئے. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے, جی اب کیا ہوا, کہا موسیٰ 5, کہا نہیں یا رسول اللہ بہت زیادہ ہیں واپس جائیں نہیں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے, کہا موسیٰ 5 5 کم ہو رہی ہیں, اب واپس گیا تو کہ یہ 5 بھی چلے گئے تو میری امت کا کیا بنے گا, نہیں میں اب واپس نہیں جاتا مجھے شرم آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں, فجر کی 2 رکعت عصر کی 2 رکعت, یہ تو میں آپ کو خود بتا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا میں بتا رہا ہوں, فجر 2 رکعت عصر 2 رکعت باقی چھٹی. کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض ہیں انہوں نے کوئی نہیں پڑھی, اے 5 کتنے پڑھن گے, فاسٹ دا تو نہ ہی فاسٹ ہے نہ بجیاں ہی رہنا ہے پیسے دے مگر بج بج کملے ہو جاؤ گے, نہ پیسہ لبنا نہ ڈگری لبنی نہ جنت.
अल्लाह जन्नत सबको दे, आपको भी दे, मुझे भी दे। अल्लाह आपको अल्लाह आपको दुनिया भी दे, अल्लाह आपको जन्नत भी दे। अल्लाह ने कोई हराम किया है? हलाल कमाओ, जितना मर्जी कमाना है, लेकिन ये याद रखना, हराम जल्दी आता है, हलाल देर से आता है। हराम हमेशा ज़्यादा होता है, हलाल उसके मुकाबले में थोड़ा होता है, लेकिन ये बरकत वाला होता है, वो बेबरकत होता है। हराम नस्लें उजाड़ देता है, खानदान तबाह कर देता है, और हलाल बहार ही बहार लाता है। बड़ी पुरानी बात है, मेरा गांव है, मेरा ज़िला मुल्तान है, और उसमें छोटा सा टाउन है तलंबा, उसके साथ मेरा गांव है। हमारी 3 दिन की जमात चीचावतनी आई हुई थी, तो एक बुज़ुर्ग थे वहाँ, बड़े अल्लाह वाले, उनकी खिदमत में हम गए थे मिलने। तो 2 साहब आए, एक का तो नक्शा भूल गया, एक की शक्ल भी याद है, नक्शा भी याद है, उसने जो एक्शन किया और जो सवाल किया उससे वो ऐसे गड़ गया। 1972, 43 साल हो गए इस बात को। वो ऐसे बैठे थे, वो आए ऐसे अतियात में बैठे, उन्होंने खद्दर, खाकी खद्दर के कपड़े पहने हुए थे, खद्दर, और बड़ा चश्मा था, सफेद टोपी थी, और यूं अतियात बैठ कर कहने लगे, हजरत जी दुआ करो अल्लाह रिज़्क़ हलाल देवे, ते बहुत सारा देवे। भाई ये एक्शन मुझे ऐसा गड़ गया कि ना कपड़ों का रंग भूला, ना उसकी शक्ल भूली, हजरत जी दुआ करो अल्लाह रिज़्क़ हलाल देवे, ते बहुत सारा देवे। तो वो हंस पड़े, कहने लगे हलाल तो थोड़ा ही लगू। उन्होंने बड़े पोले मुंह से कहा, हलाल तो थोड़ा ही लगू। ये नहीं कि आप फाकों मरोगे, हराम ज्यादा रहेगा, हलाल कम रहेगा, लेकिन बाबरकत होगा, इज्जत, आबरू, इत्मीनान, सुकून, चैन। अल्लाह की कसम, हराम का पैसा भी कांटा बन के तुम्हारे जमीर में उतर जाएगा, तुम्हारी नींदें हराम कर देगा, तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देगा, तुम्हारी औलादों को नाफरमान कर देगा। किन के लिए कमाते हो, वही तुम्हें जलील खौर करके रख देंगे। हराम का लुकमा कभी बहार ना लाएगा, और हलाल पे कभी खिजा ना आएगी। पांच नमाजें, मूसा अब बस, जब आप चले तो पीछे से अल्लाह की आवाज है, मेरे हबीब हम अपनी पहली बात पर ही हैं, आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 और लिखी जाएंगी 50। हमने जो दिया था वो वैसा ही है, 5 का 50 लिखा जाएगा, 5 का 50 लिखा जाएगा। और रमजान बड़ा सीजन है, सीजन नफल फर्ज के बराबर, फर्ज 70 फर्ज के बराबर, तरावी के हर सजदे पर 1500 नेकी, 1500 नेकी, और हर सजदे पर जन्नत में एक दरख्त लगता है जिसके नीचे 100 साल घोड़ा दौड़ सकता है, एक सुर्ख याकूत का महल अल्लाह तैयार करता है जिसके 60 सोने चांदी के दरवाजे होते हैं। और एक फर्ज, एक फर्ज, सारी धरती सजदों से भर दो, एक फर्ज का बदल नहीं बन सकता।